नमस्कार, मैं निर्मल कुमार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप WhatsApp पर अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से बातचीत के दौरान नया ट्रेंडिंग WhatsApp स्टिकर भेज सकेंगे। यह तरीका इतना शानदार है कि आपका स्वैग अलग ही दिखेगा। अगर आप भी इस तरीके को इस्तेमाल करके अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के पास नया ट्रेंडिंग WhatsApp स्टिकर भेजना चाहते हैं तो मैं कुछ तरीका बताऊंगा, आप उस तरीके को फॉलो करें। तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको मोबाइल स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दो, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। WhatsApp पर नया ट्रेंडिंग WhatsApp स्टिकर भेजने के लिए सबसे पहले WhatsApp ऐप को ओपन करें। ऐप को ओपन करते ही इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद आप उस कॉन्टैक्ट को ओपन करें जिस कॉन्टैक्ट पर आप नया ट्रेंडिंग WhatsApp स्टिकर भेजना चाहते हैं। तो चलिए कॉन्टैक्ट को ओपन कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट को ओपन करते ही इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद सबसे नीचे की ओर लेफ्ट साइड में कॉर्नर के पास एक इमोजी का आइकन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद आप स्टिकर वाले आइकन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद राइट साइड में दिख रहे माइक के आइकन के ठीक नीचे एक प्लस का आइकन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करते ही सबसे नीचे की ओर गेट मोर स्टिकर्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है जो हरे कलर में है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही गूगल प्ले स्टोर ऐप ओपन हो जाएगा। आप सर्च बार पर क्लिक करें। क्लिक करते ही पहले से लिखा हुआ मिलेगा, उसे हटा दें। हटाने के बाद यहाँ पर टाइप करें sticker.ly। sticker.ly टाइप करने के बाद सर्च कर ले। सर्च करते ही ऐप आ जाएगा, आप ऐप को डाउनलोड कर ले। सो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही ऐप को डाउनलोड कर रखा है, तो चलिए ऐप को ओपन कर लेते हैं। ऐप को ओपन करते ही आपको बहुत सारे ट्रेंडिंग स्टिकर्स नज़र आने लगेंगे। यहाँ से आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए स्टिकर के ऊपर में दिख रहे राइट साइड में ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपने हिसाब से फेवरेट एक्टर या किसी खिलाड़ी को सर्च करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सर्च बार पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपने हिसाब से किसी का नाम सर्च कर लें, किसी सेलिब्रिटी का। जैसे मैं सर्च करता हूँ एमएस धोनी को सर्च किया। अब देख सकते हैं, सर्च करते ही एमएस धोनी का स्टिकर नज़र आ रहा है। आप इसे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए स्टिकर के ऊपर ही क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ऐड टू WhatsApp वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद आपको फिर से ऐप को ओपन करने का ऑप्शन आएगा। आप ऐप के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करते ही फिर से आपको ऐड करने का ऑप्शन आएगा। आप ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही स्टिकर ऐड हो जाएगा। आप यहां से डायरेक्टली फेसबुक, इंस्टाग्राम, WhatsApp पर भी भेज सकते हैं। तो WhatsApp पर पहले ही ऐड हो चुका है, तो वापस आते हैं। वापस आने के बाद फिर से नीचे की ओर दिख रहे लेफ्ट साइड में इमोजी वाले आइकन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं एमएस धोनी का स्टिकर ऐड हो चुका है। अब इसे भेजने के लिए स्टिकर के ऊपर ही क्लिक करें। सो फ्रेंड्स, मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करें। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।